पालिका बाजार ने बूल बुलाया, बूल बुलाया भाई, मैं खो गया यहाँ पे भाई। ये पूरा अंडरग्राउंड मार्केट है, ये देखो दिल्ली का पुराना फ्रेंड है मेरा। हाँ? ना मेरे को दिल्ली में ये पे स्कैम हुआ था यहाँ पे। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे हो सभी लोग, उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो गाइस पिछले व्लॉग में हमने दिखाया था आपको कनॉट प्लेस, ये देखे ये रहा कनॉट प्लेस, और दिखाया था जनपद का मार्केट। अभी हमको जाना है अंडरग्राउंड मार्केट जो कि है पालिका बाजार, वहां पे ठीक है। तो आज के व्लॉग में ना बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी ऑल कीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये देखे हमारे यूट्यूब फैमिली मेंबर शेखर भाई हमारे साथ है, घूमेंगे पालिका बाजार घूमेंगे। चलो भाई चलो पालिका बाजार, चलो पालिका बाजार जो कि अंडरग्राउंड मार्केट है, दिखाते हैं आपको अच्छे से। यहाँ पे देखो न्यूज़ वाले आ चुके हैं, यहाँ से डिबेट चल रही है, डिबेट ठीक है। और अभी हमको यहाँ से जाना लाइन पे रहना है पालिका बाजार के लिए जो कि अंडरग्राउंड मार्केट है। यहाँ पे भीड़ चेक करो गाइस, ये जो यहाँ पे ये ग्राउंड टाइप बना हुआ ना, इसके नीचे पूरा मार्केट है। चलो जी ये देखो पालिका बाजार जो कि अंडरग्राउंड मार्केट है, ऊपर से ना पूरा वो गार्डन है और नीचे से देखो कितना बड़ा मार्केट है, हर तरफ से बहुत ही बड़ा मार्केट है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो यहाँ पे पालिका बाजार का मार्केट ठीक है, ये पूरा अंडरग्राउंड मार्केट ही है। ये देखो ऊपर से ना ये वेंटिलेशन है ठीक है, यहाँ पे एसी ये सब भी होता है। और यहाँ पे देखो ड्रोन उड़ रहा है यहाँ पे, सही है ना। तो हाँ ये बहुत ही बड़ा मार्केट है, यहाँ पे टैटो ये सब भी बनाते हैं, यहाँ पे सब कुछ मिलता है ठीक है। चाहे आपको कपड़े लेने हो ये सब लेना हो, ज़्यादातर यहाँ पे कपड़े ही मिलते हैं, और यहाँ पे हर तरफ से टैटोज बनाते हैं। और यहाँ पे ना इंसान खो जाता भाई, है कि नहीं। यहाँ पे पता नहीं, यहाँ से घूमो वहाँ वहीं पे पहुँचते, वहाँ से घूमो पता नहीं कहाँ पहुँचते हैं। नंबरों से याद किया जाता है, सही है। जूते मिल रहे हैं यहाँ पे, ये देखो। अच्छा शॉप्स पे नंबर लिखा हुआ होता है, उसी हिसाब से पहचाना जाता है यहाँ पे। अगर आप यहाँ से सामान ले गए और यहाँ से बाहर गए अगले दिन आपको चेंज करना हुआ, हाँ, तो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे ना पता ही नहीं चलेगा कौन सी शॉप थी। अब यहाँ पे नंबर लिखा हुआ होता है देखो 5960, तो ऐसे ही पहचाना जाता है यहाँ पे। हाँ कश्मीरी शॉल्स मिल रहे हैं, शॉल्स और अमेरिकन जीन्स मिल रहा है। यहाँ पे सब कुछ ए टू जेड मिलता है, ज़्यादातर मुझे लगता है यहाँ पे लड़कों के सामान मिलते हैं, मतलब लड़कों के कपड़े ये सब मिलते हैं यहाँ से ज़्यादा। आप ऐसा मानो यहाँ पे ना लगभग 80% यहाँ पे लड़कों के ही मिलते हैं। और यहाँ पे देखो कश्मीरी आर्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स, ठीक है, यहाँ पे 80% लड़कों के ही कपड़े ये सब मिलते हैं, फिर बाकी के जो है वो लेडीज़ के, जैसे कि ये हुआ एक कपड़े ना यहाँ पे मस्त मिलते हैं, ये देखो वो बोलते हैं ना फैशनेबल कपड़े हैं। हाँ लेकिन यहाँ ध्यान से देख के लेना पड़ता है और बार्गेनिंग भी करनी पड़ती है। अच्छा बार्गेनिंग भी करनी पड़ती है और ध्यान से देखना पड़ता है। और पहले ना मेरे को दिल्ली में यहीं पर स्कैम हुआ था, यहाँ पर मैंने पेन ड्राइव लिया था, फिर जब घर पहुँचा ना वो खाली था अंदर से, तो ध्यान से लेना पड़ता है भाई। ये देखो जैकेट कितना, हाँ लाइट्स में अलग कपड़े, यहाँ पे वो ब्लू कलर के सबसे लाइट्स होते हैं ना, और आप ऊपर लेके जाओगे तो फिर आपको कुछ अलग ही नजर आएगा। हाँ लाइट की वजह से कुछ अलग दिखता है, फिर ऊपर लेके जाओगे तो अलग ही दिखता है, तो ध्यान से लेना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बोला दिल्ली में सबसे पहले स्कैम यहीं पर हुआ था मेरा, जब मैंने पेन ड्राइव लिया यहाँ पर, घर पहुँचा तो अंदर से खा ली था, ठीक है। ये देखो यहाँ पर टैटो बन रहे, टैटो झुमके मिल रहे, झुमके झुमका गिरा रहे पालिका बाजार भाई। यहाँ पे ना टैटो बन रहे, टैटो ये देखो भाई, ये देखो यहाँ से आया वहाँ से गया, पता नहीं कहाँ से गया पालिका बाजार ने, बूल बुलाया भाई। ऊपर कहाँ जाते हैं यहाँ से? ऊपर एग्जिट है, एग्जिट है, सही है भाई। मैं खो गया यहाँ पे भाई, हम कहाँ हैं, मैं कहाँ पहुँचा, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे घूम वापस घूम के हम वहीं पहुँच जाएंगे। हाँ यहाँ पे घूम के वापस वहीं पे पहुँचते हैं, अंदर सर्कल्स है ना भाई, ने ना सच कहा ये पालिका बाजार नहीं है, भूल बुलाया है यहाँ पे। और ये सर्कल्स के भाई कितनी बार आए हो आप यहाँ पे? मैं पता नहीं, ये तो मेरे घर से आते रहते हो। अब यहाँ का आपको पता है कहाँ पे क्या मिलेगा? हाँ बिल्कुल, लेना क्या है उसके अकॉर्डिंग। नहीं मैं बोल रहा हूँ जहाँ पे फूड मिलता है वो पता है कहाँ से मिलेगा? हाँ वो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैं ढूंढना पड़ेगा, खुद खो गया हूँ तो। हाँ यहाँ पे खो जाता है इंसान, है ना। मैं आता रहता हूँ तब भी खो चुका, तब भी खो जाते हैं। और यहाँ पे देखो यहाँ पे फोन एसेसरीज ये सब भी मिलता है, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। और ऊपर से देखो, ऊपर से ना सर्कल में पूरा मार्केट है, और नीचे से भी हर तरह से खिलौने भी मिल रहे हैं यहाँ पे। चलो हम ऊपर जाते हैं, पहले ऊपर या ऊपर अंडरग्राउंड का मार्केट। अरे तो शेखर भाई का कहना है ये पुराने ज़माने का एक तरफ से शॉपिंग मॉल है। मुझे तो यही लगता है कि ये पुराने ज़माने का शॉपिंग मॉल। अच्छा पूरा आपका ऐसा लगता है? हाँ सही है भाई, जब शॉपिंग मॉल नहीं होते भाई, शॉपिंग मॉल तो भाई इससे बड़ा तो नहीं होगा भाई, ये बहुत ही बड़ा है भाई, होगा बड़ा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन भाई ये भूल बुलाया है यहाँ पर।
पता नहीं कहाँ पहुँचा है इंसान। वो भूल भुला है ना, छोटी छोटी गलियाँ, पतली सी गलियाँ, तो इंसान पता नहीं कहाँ पे होता है, कहाँ पे पहुँचता है। तो वो तो डेफिनेटली खो जाएगा भाई। मैं तो खो जाऊंगा भाई, गल बन गई। जहाँ खाना मिलता है। अच्छा आप खुद खो गए दिल्ली के, हो गए आप खुद खो गए। बिल्कुल। यहाँ पे फिक्स्ड रेट 150 रुपया के जैकेट, अपर, सीओडीज। यहाँ पे सेल 200 रुपये के पता नहीं क्या स्वेट शर्ट्स। यहाँ पे 350। 100 रुपीज़ का प्लाजो, 100 रुपीज़ का प्लाजो, 150 रुपये का प्लाजो। सेल लगी हर तरफ से लगी। यहाँ पे आप खा पी भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फूड के आइटम्स मिलते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला, पूरा अंडरग्राउंड मार्केट है यहाँ से, ठीक है। तो भाई लोग, ये तो था यहाँ पे पालिका बाज़ार, जो कि हमने आपको दिखाने की कोशिश की, ठीक है। हर तरफ से देख लो। अब जाते हैं वापस, अब बाहर मिलते हैं आपसे। ये देखो भाई, ड्रोन मिल रहा है यहाँ पे, ड्रोन। तो गाइस फाइनली निकल चुके हैं पालिका बाजार से। वहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी भाई, और यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। भीड़ बहुत ज़्यादा है यार यहाँ पे। जैसे कि मैंने बोला, डिबेट ये सब तो चलते ही रहते हैं। बाहर से भी भीड़ है, अंदर से भी भीड़ है, और गर्मी अंदर बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि पूरा वो अंडरग्राउंड है ना। आजकल डिबेट चल रहा है, डिबेट कहाँ गए, डिबेट हो रही है ना। आप करोगे पार्ट लोगे? ये कहाँ चल रहा है भाई यहाँ पे? रोज का काम है, रोज का काम है, डिबेट चल रहा है यहाँ पे। सही है, पर मौसम को क्या हो गया भाई? मौसम थोड़ा बादल छाए। कश्मीर में ना भाई गुलमर्ग हुआ, ये सब हुआ ना, वहाँ पे बर्फ गिरी हुई है। और श्रीनगर में मैंने सुना बारिश हुई है, उसके साथ स्नो भी हुई है थोड़ी थोड़ी सी। तो इसलिए यहाँ पे भी मौसम खराब होता है। जब कश्मीर में मौसम खराब होता है तो दिल्ली में भी होता है। दिल्ली में ठंड बढ़ जाती है। यहाँ पॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया। पॉल्यूशन है ना बहुत ज्यादा, उसका क्या ही करें हम। अभी तो थोड़ा फिर भी बेटर है। ठंड लगेगी वो करेंगे, हीट रे सब लेंगे। पोल्यूशन का क्या करें? पहले दिनों पहले लगभग लगा लो, कुछ दिनों ही पहले, अब तो पहले तो यहाँ बहुत ज्यादा पोल्यूशन था, इतना ज्यादा पोल्यूशन था कि यार रहने लायक नहीं भाई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था यहाँ पे। वो तो बारिश हो गई तो थोड़ा ना, कुछ तो करना पड़ेगा इस पोल्यूशन का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही वो है। तो भाई लोग, आज की वीडियो में हमने आपको दिखाया पालिका बाजार, जो कि यहाँ पे, ठीक है, अंडरग्राउंड मार्केट। और यहाँ पे देखो डिबेट चल रही है, डिबेट। अब हम वापस ही जाते हैं क्योंकि अंधेरा होने वाला है, ठंड लग रही है, ठंड। भाई हमको कहाँ से जाना है? अब हमें यहाँ से जाना है नीचे। नीचे जाना है? हाँ, ये मेट्रो स्टेशन है। हाँ, कि ये सबवे है? नहीं, बस ये यहाँ बहुत सारे गेट है। ये मेट्रो है ना? हाँ, है? अच्छा जी, करीब 10-12 गेट है मेट्रो। 10-12 गेट है यहाँ पे। सही है, सही है। चलो फिर जाते हैं मेट्रो मेट्रो मेट्रो। फिर यहाँ से अपने शेखर भाई भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। क्यों भाई? मैं जाऊँगा वैशाली की तरफ, आप जाओगे। अब हमसे कैसा लगा आपको मिलके? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छा लगा ना? हाँ, सही है भाई, बस सपोर्ट करते रहो यार, फैमिली हो अपनी सारी ना, मिलके मजा आ गया, मजा आ गया। ब्लॉग देखो, सब्सक्राइब करना है कि नहीं? सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, और ऐसी भीड़ में ना घूमो, आपको और अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलते हैं, अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलते रहे। नेक्स्ट टाइम जो आप सिटी बोलो जहाँ पर आप चाहते हो ब्लॉग बनाना, दिल्ली, मुंबई, हाँ कहीं पे भी जा सकते हैं। जब आप लोग सपोर्ट करोगे तो जा सकते हैं। सपोर्ट करोगे जैसे आप बोलोगे इसके अकॉर्डिंग। सही है भाई, हमको भी बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। मिलेंगे आप जल्दी, जब आपको टाइम मिलेगा तो मिलेंगे। ओके, चलो फिर अभी हम जाते हैं मेट्रो की ओर। पता नहीं आपको कुछ सुनाई दे रहा होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और इतना शोर है ना, व्लॉग करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। कश्मीर में ना मेरे को माइक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, बट यहाँ पे शोर बहुत ज्यादा है ना, हल्ला बहुत ज्यादा है, इसीलिए। हाँ, अब अगर पता होता ना, पहले मैं पैसों से माइक ही ले आता, फिर दिल्ली आता घूमने के लिए। रिक्वायरमेंट है हमारा। सही है, अभी मेरे को जाना है ब्लू लाइन पे, वहाँ द्वारका के लिए। ब्लू लाइन जाना है आपको? भी ब्लू जाना है? चलो जी, ब्लू ब्लू, बाय बाय। फाइनली गाइज हम एंटर हो चुके हैं मेट्रो स्टेशन में। आप जाते हैं यहाँ से डायरेक्ट द्वारका। भाई भीड़ काफी ज्यादा है, चाहे वो मेट्रो हो, कनॉट प्लेस हो, पालिका बाजार हो, जो भी हो ना। और वो कौन सा था? जनपद। और अब शाम का टाइम है, क्योंकि तो शाम को ज्यादा भीड़ होती है, शाम को लोग ज्यादा आ भी रहे हैं कनॉट प्लेस घूमने, और लोग यहाँ से, जैसे हम आए थे दिन में, अब हम जा भी रहे हैं। इस टाइम शाम के टाइम बहुत क्राउड होता है। सही है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं भाई, जब से मैं दिल्ली आया हूँ ना, खाली मैं एक बार सीट पे बैठा हूँ, ठीक है, पर हमें खड़ा ही होता था मेट्रो में। और ऊपर से कोई बुजुर्ग आता है या कोई लेडीज आती है तो उनको सीट देनी पड़ती है यहाँ पे। मेरा ना अपना वो होता है भाई, मैं सीट देता हूँ हर किसी को, तो वही सीन है।
टिकट की लाइन से बचना है तो मेट्रो कार्ड जरूर खरीदो, वरना ऐसे लाइन में लगना पड़ेगा। हाँ सही कहा भाई ने, अगर मेट्रो की भीड़ से बचना होगा ना टिकट की भीड़ से, ये देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, तो मेट्रो कार्ड खरीद लो फिर टेंशन नहीं है, खुद रिचार्ज डालो और चलो चलो भीड़ से हटके। चलो जी पहुँचे जी, अभी मेरे को जाना है ब्लू लाइन, मेरे को लगता है प्लेटफॉर्म नंबर 4 होगा। ये देखो ये आ चुकी मेरी मेट्रो, मेट्रो मेट्रो, लेकिन मेट्रो में बहुत ज़्यादा भीड़ है, मेट्रो में जगह ही नहीं है चढ़ने के लिए इतनी भीड़ है भाई। यही है ना, मेट्रो आ गई है ब्लू लाइन अपोजिट साइड मेरी मेट्रो है। हाँ मुझे वैशाली वाली, आपको वहाँ पे जाना है वैशाली के साइड, मेरे को जाना है द्वारका, द्वारका। चलो भाई आ चुकी ना मेरी मेट्रो, जाऊँ मैं इसमें, जाऊँ मैं। चलो फिर मिलते हैं आपसे, जल्दी मिलेंगे आपसे, ठीक है भाई। मेट्रो का ना गेट ही बंद हो गया भाई, अब दूसरी मेट्रो का वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये आ गई जी हमारी मेट्रो, मेट्रो मेट्रो। तो गाइस फाइनली पहुँचा मैं घर, अभी मेट्रो स्टेशन से लगभग मेरे को 1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है घर के लिए, मतलब गलियों ये सबसे जाना पड़ता है ना, ये देखो। तो अभी थोड़ा सा चलना ही है मुझे, बहुत ही ज़्यादा थक चुका क्योंकि मेट्रो में ना सीट ही नहीं मिली, उसे भी खड़ा ही था। चलिए आप जाते हैं फटाफट से घर, लेट भी बहुत ही ज्यादा हो चुका। तो गाइस ये मेरा दोस्त, दिल्ली का दोस्त, और भाई कहाँ निकले, हाँ वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए, आप कहाँ निकले? और बढ़िया ना बाल बहुत अच्छे हैं आपके, कलर करवाए? चलो जी, ये मेरा फ्रेंड है, दिल्ली का पुराना फ्रेंड है मेरा। हाँ है ना फ्रेंड हो ना मेरे? सही है। मैं गया था घूमने के लिए सीपी पे। तो भाई लोग फाइनली पहुंचा मैं घर, अभी ना मैं सबसे पहले चाय पीता हूँ, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, सिर्फ वो पैती खिलाई ना जो हमारे शेखर भाई थे उन्होंने पैती खिलाई, तो आप पीते चाय। तो गाइस फाइनली आ चुकी चाय विद मिट्टी मक्खन मार के, ठीक है पीते चाय फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस फाइनली चाय पी ली मैंने, आज के व्लॉग में मैंने आपको दिखाया पालिका बाजार जो कि अंडरग्राउंड मार्केट है, ठीक है, और वहां पे ना 80% खाली लड़कों के कपड़े जूते सब मिलते हैं, बाकी के लेडीज आइटम। आई होप कि आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहे, बाय बाय।